तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मन्नू कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों 10th क्लास के आर्ट के पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो आर्ट का पेपर होता है बच्चों, उसको मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखे हैं, उसे मैं आपको पढ़ाता हूँ और आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, ठीक है। और यदि आपको क्या कहें आर्ट के पेपर का मॉडल पेपर देखना है 2023 का, वो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने पूरे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नवीन रंग, ठीक है ना। प्रसिद्ध के अनुसंधात्मक कौन हुए थे, ओस्टरवाल, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रखा, उष्ण रंग कितने होते हैं, उष्ण रंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद क्या रहा, द्वितीय रंग कितने होते हैं, द्वितीय रंग भी 4 होते हैं, ठीक है। रेखाएं कितने प्रकार की होती है, रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं प्राचीन भारतीय प्रसिद्ध के अनुसार, ठीक है। मुख्य रंग कितने रंग माने जाते हैं बच्चों, 3 रंग माने जाते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन आपका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में, अगली में देखते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, ठीक है। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, कलर लेते हैं रेड। तो आगे देखते हैं आलेखन, अगला क्वेश्चन क्या है, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना, अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है, किससे करता है, ललिता सुंदरते रेखाओं से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकला किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, आलेखन 2 प्रकार के होते हैं। इन क्वेश्चनों को बच्चों ध्यान से आपको याद कर लेना, क्योंकि इनसे आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रशंसा और समृद्धि का रंग कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा लाल रंग होता है, क्योंकि हर रंगों के कितने गुण, रंगों के कितने गुण होते हैं, रंगों के 3 गुण होते हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 मैंने खोल ली है आपके सामने, देखो दूसरी स्लाइड जो है ये है। तो चलते हैं बढ़ाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार वस्तु का उदाहरण है, घनाकार वस्तु का उदाहरण क्या होता है, संदूक है, पुस्तक है, ठीक, कनस्तर है, घनाकार वस्तु के उदाहरण है, ठीक। उसके बाद एक को ले सकते हैं आप पासा, जो डाइस होता है ना वो भी आपका, ये भी क्या होता है, घनाकार वस्तु का उदाहरण है। इसके आगे देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है यदि किसी, ठीक है ना, चित्र में खड़े भाग में बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर से शेडिंग डाला गया है तो उसके ऊपरी भाग से किस दिशा में शेड डाला जाएगा, किसी बाएं ओर की ओर, ठीक है। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट ओर की ओर, ठीक। आगे चलते हैं, स्मृति के आधार पर किस, ठीक है ना, अनुभूत वस्तुओं की चित्रता करना क्या कहलाता है, स्मृति चित्रण कहलाता है। रेखाएं को खींचना चाहिए, रेखाओं को कैसे खींचना चाहिए बच्चों, बाएं से दाएं की तरफ को, ठीक है, क्योंकि इधर होता है हमारा कौन सा राइट और इधर होता है हमारा लेफ्ट, तो आपको कैसे खींचना, बाएं से दाएं की तरफ को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेखा खींचोगे आप कैसे खींचोगे, बाएं से दाएं की तरफ को, या फिर लिख रहा बाएं से दाएं ओर। तो पेंसिल की नोक, ठीक है ना, पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए, तो 0 नंबर का रेगमाल यूज करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यह हमें लिखा हुआ है नेत्रजा के कारण, ठीक है ना, व्रत को कैसे देखा, कैसे बनाया जा सकता है, नेत्रजा के द्वारा व्रत को कैसे बनाया जा सकता है, दीर्घ वृत्ताकार। आदर्श रंग कितने होते हैं, 8 होते हैं। इससे आगे चलते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है, तो वो है नारंगी। इसके आगे देखते हैं रंग, ठीक है ना, संगति कितने प्रकार की होती है, ये होती है आपके 6 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपके सामने क्या है बच्चों, क्वेश्चन जो है ये है, क्वेश्चन क्या है, बर्तनों के मुंह दो, ठीक है, बर्तनों के मुंह अथवा नली आदियों को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं, वृत्ताकार आकार बनाते हैं। जो बर्तन होते हैं ना, बर्तनों का मुंह और तली आदियों का आकार बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, मुंह वृत्ताकार करते हैं उनका मुँह का। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में प्रकाश, ठीक है ना, दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, पतली रेखाओं का, ठीक है। फल और सब्जियों के चित्रण करने के लिए, ठीक है ना, उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक डैश खींचते हैं, क्या खींचते हैं, व्रत खींचते हैं। अगर दिराकार छेड़ देते समय पेंसिल को रखते हैं क्षितिज, ठीक है, पेंसिल को बिल्कुल सीधी नहीं रखना बच्चों को, क्षितिज रखना, ठीक है, इस प्रकार शेडिंग जो करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं, देखो यहाँ से इसके बाद क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है, चित्रण को, ठीक है ना, प्रभावी एवं आकर्षण बनाने के लिए किस अभिव्यक्ति
किसकी किस अभिव्यक्ति आवश्यक होती है, कौन सी होती है, छाया और प्रकाश दोनों की। छाया भी ऊंची चित्र के अंदर, प्रकाश भी ऊंची, वो छवि बहुत अच्छी होती है। अगला कह रहा है चित्र बनाते समय हमें दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं, छोटा और अस्पष्ट करते हैं, ठीक है, अगर कोई दूर है वस्तु, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक दृश्य में आप देखना होगा, जैसे हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, ये पहाड़ बनाते हैं इस प्रकार से, घास कैसे बनाते हैं, हम छोटी घास बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो उससे क्या होता है, छोटी और स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है चित्र में शेड का आरंभ, ठीक है, किस पेंसिल से करना चाहिए, 2B पेंसिल से करना चाहिए, यदि, ठीक है ना, यदि दिया गया मॉडल अथवा, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई में ऊंचाई अधिक है तो कागज़ पर चित्र को कागज की डैश की दिशा में बनाना चाहिए, तो लंबाई की दिशा में बनाना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये क्वेश्चन है रेखाएँ खींचते समय, ठीक है ना, पेंसिल को किस तरह पकड़ते हैं, पेन की तरह पकड़ते हैं, ठीक है, रेखा किस तरह, पेन को किस तरह पकड़ते हैं, इस प्रकार पेन पकड़ते हैं आप, उस प्रकार से पकड़ना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन है जल रंग का, ठीक है ना, चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है, कौन सा है वो, हार्टमैन का। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है, जो जिराफ ग्रुप जो कहाँ पाया, भीमबेटका में पाया जाता है, ठीक। अगला देखते हैं अजंता गुफा, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है, वो है महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं लिखा हुआ अजंता की, ठीक है ना, किस गुफा मंदिर में मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होते हैं, किस में होते हैं, गुफा संख्या 19 में होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं कितने होते हैं, गुफा संख्या 19 होती है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दो, ठीक है ना, सो कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है, ठीक है, वो कहाँ का कहाँ अंकित है, बाघ गुफा में। उसके बाद आगे देखते हैं बाघ गुफा में भारतीय चित्रकला, ठीक है ना, हमें मानव आकृति का आदर्श परिमाण क्या है, तो वो है 108, तो क्या है बच्चों, 108 अंगुल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपको देख सकते हैं मोनो कलर, ठीक है ना, योजना किसे कहते हैं, वो कहते हैं एक रंग योजना को। अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक। उसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, जो कह रहा है तटस्थित रंग, ठीक है ना, कौन सा होता है, जो तटस्थित रंग होता है उत्तर कौन सा होता है, वो रंग होता है आपका सफ़ेद और काला। उसके बाद कह रहा है वर्ली, ठीक है, भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है, वो किससे है, मध्य प्रदेश से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, को जो फिफ्थ स्लाइड है, तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चनों को बच्चों ध्यान से आपको पढ़ के जाना है, जिससे कि आप वो पेपर में विकल्प में 20 में से 20 स्कोर कर सकें, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को में क्या लिखा हुआ है, इसे जूम कर लिया है मैंने, तो क्वेश्चन क्या है, मुगल चित्रकला, ठीक है, हमें प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था, वो था मंसूर। उसके आगे देखते हैं सुप्रसिद्ध, ठीक है ना, चित्र बना बनी गठनी किस, ठीक है ना, किस चित्र शैली पर आधारित है, वो है आपकी किशनगढ़ शैली पर, ठीक है, किशनगढ़ शैली पर। अगला लिखा हुआ है आपके सामने बंगाल, ठीक है, चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, वो थे अपूर्ते। कौन थे, बंगाली चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, अविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चे आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तनखस कुंडलियन, ठीक है ना, क्षेत्र किस से किस क्षेत्र में है, चित्र जो है किस क्षेत्र में है, वो आपका हिमाचल प्रदेश। इससे आगे दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन जो है अगला प्राथमिक रंग के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, प्राथमिक रंग, ठीक है ना, कौन से हैं और मूल रंग कौन से, प्राथमिक रंग मूल रंग एक ही बात होती है, वो कौन सा होता है, पीला होता है, ठीक है, लाल होता है, पीला होता है, और आपका कौन सा होता है, नीला होता है, और ये तीन होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे आपको प्राथमिक रंग कौन से होते हैं या मूल रंग कौन सा होता है, लाल पीला और नीला होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्राथमिक और, ठीक है, एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाने कर, ठीक है, कौन सा रंग बनता है, तृतीय रंग बनता है, तीसरा रंग बनता है, ठीक है। तृतीय रंग कितने प्रकार के होते हैं, तृतीय रंग आपका 6 प्रकार के होते हैं। द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं, द्वितीय रंग आपका 3 प्रकार के होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसमें से पेपर में एक क्वेश्चन आपके सामने मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रंग कौन सा होता है, गर्म रंग कौन सा होते हैं, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, ये गर्म रंग होते हैं, कौन से रंग, ठीक है ना, उत्साह उत्सर्जन, ठीक है, प्रशंसा और आभास कराते हैं, वो कैसे कहते हैं, लाल है, नारंगी और पीला है, ये तीनों कलर क्या होते हैं, गर्म रंग होते हैं। तो बच्चों मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लर्न करने लें अच्छे तरीके से। और यदि दोस्तों जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि दूसरों बच्चों का भी आपके हिसाब से उससे भला हो सके। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।